उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट के ऊपर उपचुनाव होने जा रहा है। इस आम चुनाव सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। उपचुनाव में 5 सितंबर को जनता अपना वोट देगी, 8 सितंबर को उसके नतीजे आएंगे। घोसी विधानसभा सीट पर मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। सियासी घमासान के बीच ये सीट भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच नाक और साख का सवाल बन चुकी है। समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। सुधाकर 2 बार विधायक रह चुके हैं। वैसे तो बीते लंबे समय से उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा की सीट पर दारा सिंह चौहान का दबदबा बना हुआ है और वो इस सीट पर समाजवादी पार्टी के टिकट पर कई बार विधायक रह चुके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर उन्होंने अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह से ये सीट खाली हो गई। सियासी गलियारों में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दारा सिंह चौहान को योगी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। दोनों ही पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले इस उपचुनाव में जनता के बीच खुद को आजमाना चाह रही, जिसके कारण आए दिन समाजवादी पार्टी से लेकर एनडीए के नेता एक दूसरे के ऊपर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। घोसी उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव यहां पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब हारने वाली है, जिसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि साइकिल इतनी तेजी से दौड़ेगी कि कोई उसके सामने टिक नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि अभी समाजवादी पार्टी 70% आगे है, आने वाले समय में 80% तक की बढ़त बना सकती है। उनका कहना है कि हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म का व्यक्ति समाजवादी पार्टी को वोट देने वाला है। वहीं पर इंडिया गठबंधन में मायावती के साथ नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो हमसे बात नहीं करती, नाराज रहती है। हमसे बात करनी तो मैं कह देता हूं कि शामिल हो जाओ। इसके साथ ही उन्होंने एनडीए में शामिल हुए सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पर भी निशाना साधा। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन का लोकसभा की पिच पर खेल रही समाजवादी पार्टी क्या भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोक पाएगी? वही किसी गठबंधन में शामिल नहीं होने वाली मायावती भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन का गेम क्या बिगाड़ पाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी।